आंकड़ों का प्रबंधन बंद पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा कि अन्य परिभाषा, अब हम देखेंगे कि बड़े आंकड़ों का बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। इसमें है, यदि प्रेक्षणों की संख्या बड़ी हो तो पहले आंकड़ों को सारणीबद्ध करते हैं। आंकड़ों की सारणी बनाने का काम मिलान चिन्हों से किया जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मिलान चिन्ह क्या है, अपने कक्षा छठी में पढ़े थे ना, वही मिलान चिन्ह अभी आपको उदाहरण से समझ आ जाएगा। उदाहरण, टीमों के एक समूह में खेलने के फुटबॉल के मैच हैं, ये इसमें नीचे संख्या दी हुई है, में जीतने के अंतर गोलों में निम्न प्रकार है, मतलब कितने गोले की गई है, एग्जाम्पल है अपना, ये बहुत सारी देखो संख्याएं दी हुई है, काफ़ी सारी संख्याएं दी है, 1, 3, 2, 5 है ना, ये है प्रेक्षण अपने अलग अलग 5, 2, 3, 4। अब इन जो भी ये संख्या दी है, इन आंकड़ों का हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक, ये संख्या अधिक है इसलिए इसको सबसे पहले सारणीबद्ध करेंगे, मतलब इसकी सारणी बनाएंगे। तो उसके लिए हम तीन कॉलम बनाते हैं, पहले है जीतने का अंतर, मिलान चिन्ह मैचों की संख्या कितनी है, तो ये हमने ज्ञात किया है। तो इसमें है जीतने का अंतर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार, इसमें जो भी संख्या अधिकतम कितनी, 6 बार, तो 6 हो गया। अब मिलान चिन्ह हमारा काम है ये वाला ज्ञात करना, मिलान चिन्ह की सहायता से बहुलक ज्ञात करना। तो अपने एक कितनी बार आया है, ये एक एक, ये एक एक एक, जितनी बार भी इसमें अपने आंकड़ों में एक आया है वो आया है 1, 2, 3, 4, और ये पाँचवें में अपन ऐसे काट देते हैं 5, 6, 7, 8, 9, तो एक कितनी बार आया है, 9, ये 9। अब दो कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5 ये काट दिया, 6, 7, 8, 9, फिर ये काट दिया 10, 11, 12, 13, 14, मतलब 14 बार आया है। तीन कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बार। चार कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार। ये पाँच कितनी बार है, 1, 2, 3 बार, और छः कितनी बार है, 2 बार। तो ये हमारी बन गई मैचों की संख्या में 9, 14, 7, 5, 3, 2, तो सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है वो हमारा बहुलक होगा। तो सबसे अधिक क्या आया है, ये 2 आया है, ये 2 सबसे अधिक आई है, और ये संख्या सबसे अधिक कौन सी है, 14। तो इस प्रश्न में हमारा बहुलक कितना हो गया, 14। धन्यवाद।